इस दुनिया में ना एक हाथ दे और एक हाथ ले, ये चलता है। धंधे को दोगे धंधा तुम्हें देगा, तुम धंधे को नहीं दोगे धंधा तुम्हें नहीं देगा, बात खत्म। लोग क्या कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस के प्रिंसिपल और वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, इसकी डिमांड्स को पूरा ना करने की कोशिश करते हैं, तो वो फेलियर होते हैं। यहां पर जितनी भी बातें आपको बताएगी ये बिजनेस की डिमांड्स है। जैसे अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो डिमांड क्या है, 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर नहीं लेगा तो आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट। आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो डिमांड क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन 11th क्लास, राइट। डिमांड है, हर प्रोफेशन ने अपनी डिमांड क्रिएट करी है कि भैया तुम ये बनना चाहते हो तो तुम ये करो। अगर आपको आर्मी में जाना है तो डिमांड क्या है, 5 फुट 7 इंच की हाइट, समझ रहे, 3 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़, ये क्या है, उस प्रोफेसर की डिमांड है। आपने डिमांड पूरी करी, आप भर्ती हो गए, नौकरी मिल गई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ गए आप डॉक्टर बन गए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ गए आप इंजीनियर बन गए। जैसे जैसे प्रोफेशन अपनी डिमांड क्रिएट करता है कि भैया मेरे साथ मुझे अपनाना चाहता है, मेरे कामयाब होना चाहता है इस प्रोफेशन में, तो मेरी ये डिमांड पूरी करो। नोट माई पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वर्ल्ड, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ योर बिजनेस। और कुछ नहीं करना है आपको, सब काम अपने आप हो जाएंगे। लिख लिया, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ योर प्रोफेशन लिख लो, बेसक बिजनेस लिख लो। तो ये जितनी भी आपकी परसों से अब तक ट्रेनिंग हुई है 3 दिन में, उसमें क्या था, पहला पॉइंट क्या था, माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, ये क्या है, सक्सेसफुल व्यक्ति की डिमांड्स है कि जिस व्यक्ति को सफल होना वो विजनरी होना चाहिए, वो संतुष्ट कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, समझे, वो एडजस्टमेंट वाला नहीं होना चाहिए। क्या है, सक्सेस होने के लिए डिमांड्स है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। यही बात थी पहले दिन की ट्रेनिंग में, यही हुआ होगा, ठीक है। फिर वहां बताया गया कि भाई एक इनकम का ग्राफ बताया कि भाई पहले साल में कुछ नहीं कमाओगे, जो है वो भी घर से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस की डिमांड है कि धंधा बनेगा तो धंधा चलेगा, जब धंधा बनेगा ही नहीं होटल बनेगा ही नहीं तो होटल चलेगा कहां से, तो पहले टीम बनाओ। जब आपकी टीम साइज बड़ा होगा, आपके कस्टमर सेगमेंट बड़ी होगी, आपके यूजर ज्यादा होंगे, तो पैसा ज्यादा आएगा।